वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है केटीसीसी क्लासेस में। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट है। साइन प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी कि ये इस क्वेश्चन में पहले की तरह हमें जो ये वैल्यूज दे रखी हैं फॉर्मूले, इनके फॉर्मूले पुट करके किसी भी तरह हमें ये वाला जो सॉल्यूशन है ये लेके आना है। तो इसमें शुरू करते हैं हम। तो यहां पर देखिए आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने नाइन्थ क्लास में ही पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन का मतलब है यहां पर साइन स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी होता है ना, तो टू मल्टीप्लाई बाय दोनों दिस एंड दिस, तो साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए, ये हमारा हो चुका है। अब हम इसका लिखते हैं तो प्लस का साइन ही आएगा क्योंकि यहां पर प्लस का है, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस टू cos और मल्टीप्लाई बाय sec, टू cos a मल्टीप्लाई बाय sec a। ठीक है, ये इतना ही हो गया। अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम आगे। यहां पर sin स्क्वायर a है, यहां पर आपका cos स्क्वायर a है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू की इन दोनों की वैल्यू होती है मिला के वन होती है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू। तो हम यहां पर इन दोनों की वैल्यू लिख देंगे वन, फिर बाकी जो बची हुई चीज है वो हम यहां पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। और देखिए यहां पर क्या बचा हमारा, यहां पर ये जो वैल्यू है ये हमारी सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व होगी, यहां पर टू है हो जाएगी, कैसे सॉल्व होगी, यहां पर साइन ए है और मल्टीप्लाई पर कोसेक ए, तो कोसेक ए का आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा वन अपॉन साइन ए होता है, तो टू साइन ए मल्टीप्लाई वन अपॉन साइन ए यहां पर वैल्यू आ जाएगी। तो होगा क्या, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहां पर खाली टू बचा, ये कॉस स्क्वायर ए तो हमारा इसकी वजह से यहां पर आ गया था, वन आ गई थी वैल्यू, तो ये हम सॉल्व हो चुका है। सेक स्क्वायर यहां पर ऐसे ही आएगा प्लस यहां पर ये हो चुका है, ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो टू कॉस ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए का फॉर्मूला होता है वन अपॉन कॉस ए, आपने शुरू में पढ़ा होगा। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते तो आप ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने शुरू में वीडियो बनाई है उसमें सारे फॉर्मूले डिस्कस करें वीडियो में, वो आप जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ ही साथ। कॉस ए कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बचा, टू बचेगा। तो अब हम यहाँ पर टोटल वैल्यूज यहाँ पर लिखते हैं, देखिए वन प्लस कॉसेक ए, इसको हम साथ साथ लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर ए प्लस यहां बचा टू प्लस यहां बचा टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो टू प्लस टू वन फाइव हो गया, फाइव प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहां पर इस कोसेक स्क्वायर ए की फॉर्मूला हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, वन कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का भी यहां पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए। और ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया वीडियो में उसमें। अब यहां पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू पुट करेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, फाइव प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक की भी यहां पर वैल्यू पुट करेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और ए का मतलब यहां पर थीटा भी हम लिख सकते हैं लेकिन यहां पर ए लिखा था शुरू में इसलिए हमने ए लिखा है। अब देखिए ऐड करिए इसको, वाई फाइव प्लस वन प्लस वन सेवन, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, हमने इधर उधर था वो एक ही साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमें वैल्यू निकालनी थी, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो चुका है हमारा सॉल्व, इतना ही आंसर है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।